आज इतना लेट? पीटीएम था ना, तो वही हर बार का हैज पोटेंशियल बट इजंट यूजिंग इट वाला लेक्चर, और फिर एक्स्ट्रा क्लासेस भी तो थे. यू नो व्हाट, लास्ट ईयर के बाद से आई कांट इवन फोकस. तुझे पता है वो हमेशा तुझे एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं. इट्स बीन मोर देन अ ईयर नाउ. आई नो, बट और माँ बाबा भी तो रिकवर नहीं हुआ है. रियली? आफ्टर एवरीथिंग ऑफ कोर्स. अच्छा, हाउ वाज स्कूल? तेरे ऑडिशंस भी तो थे आज. सोलो परफॉर्मेंस के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, बट अब कॉन्फिडेंस नहीं है टू गो ऑन स्टेज सबके सामने. यू हैव बीन डांसिंग सिंस यू वर 4, अब क्यों? बिकॉज़ इट्स स्कैरी. अब 2 साल से प्रैक्टिस नहीं है. व्हाट इफ आई फ्रीज ऑन स्टेज? वैसे भी लोग काफ़ी जजमेंटल है. देख, म्यूजिक और स्टेप्स पे फोकस कर, ऑडियंस पे नहीं. वो जज करेंगे नो मैटर व्हाट, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं. प्लस सब अपने बारे में इनसिक्योर होता है. सोचूंगी. ओ, मुझे ये पिक्चर्स मिली, देखो ना. यू लुक सो हैप्पी इन दिस. एक भी पिक्चर नहीं है जिसमें आप खुश नहीं हो, एक्सेप्ट ये वाली जिसमें हम दोनों चॉकलेट्स के लिए लड़ रहे हैं. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. कुछ और बता, व्हाट्स न्यू? और क्या? ओ हाँ, वो रेखा आंटी है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट है. उन्हें कल रात हार्ट अटैक आ गया. रेखा कौन? अरे वो हमारी नेबर. ओ, लाउड रेखा? हाँ हाँ वही. उन्हें भी हार्ट अटैक आया? हाँ, काफ़ी टाइम बाद खुश लग रही थी. खुद की बेकरी खोलने का भी सोचा था, बट डॉक्टर्स डोंट नो इफ शी मेक इट. मुझे तो हमेशा से डिस्टर्ब लगती थी. हाँ, मतलब उनके काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे, बट लास्ट 6 मंथ्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए थे, तो खुद की बेकरी खोलने का सोचा. शी ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क, यू नो. सो दैट्स सैड. दैट इज, यू नो व्हाट आई डोंट गेट? सो मेनी पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स वेटिंग फॉर इट टू बी ओवर, बट व्हेन दे फाइनली वॉन्ट टू लिव, व्हेन दे स्टार्ट टू एम्ब्रेस लाइफ, व्हेन ऑल ऑफ इट स्टार्ट्स टू मीन समथिंग, दैट इज व्हेन यू हैव नो टाइम लेफ्ट. जस्ट taken away, moments away from what could have been the best time of your life. इसलिए मुझे वो फोटोज़ नहीं देखनी थी. जस्ट रिमाइंड मी ऑफ दैट लिटिल गर्ल, उसके होप्स और उसके ड्रीम्स. उसे थोड़ी पता था ये सब होगा. वॉट्स हर फॉल्ट? मुझे मेरा नहीं पता, बट शी डज नॉट डिजर्व दिस. बट अब सब ठीक हो जाएगा, अब वापस आ गए. इट्स नॉट द सेम अनन्या. इट कैन बी. हाँ माँ. हाँ हाँ, चेंज करके आती हूँ. माँ बुला रही है लंच के लिए. चली जा, नहीं तो और क्वेश्चंस पूछेंगे. आप भी आओ ना. तुझे पता है मैं नहीं आ सकती. दे मिस यू. नो दे डोंट, जस्ट प्रिटेंड टू बिकॉज दे थिंक दे सपोज्ड टू. दी, वो परफेक्ट नहीं है, बट आफ्टर ऑल दे आर योर पेरेंट्स. मैंने उन्हें बहुत समझाने का ट्राई किया, बट दे डोंट बिलीव मी. आप आओगी तो? अनन्या, मैंने उन्हें ऑलरेडी बहुत डिसअपॉइंट किया है. उनसे मिलकर अब उन्हें और नहीं करना है. इट्स नॉट लाइक दैट, दे लव यू. जब साथ में थी तब तो नहीं किया, अब इट्स वेरी इजी फॉर देम टू से. अब जल्दी जाओ और कल टाइम पे आना. हाँ, कल टाइम पे आ जाऊँ.